Hello everyone, this is Omkara Varma, Assistant Professor in Civil Engineering Department from Rawalpura Sarkari University. Today I am discuss about the topic of workability of concrete. हम इस फिनोमेना के अकॉर्डिंग वर्केबिलिटी क्या है और उसके थ्रू जितने भी मेथड्स हैं उसके रिगार्डिंग हम आप बात करेंगे. इसमें वर्केबिलिटी क्या है, व्हाट इज वर्केबिलिटी, इसमें हम बात करेंगे. तो वर्केबिलिटी इज द इजी विथ विच कॉन्क्रीट कैन बी मिक्स ट्रांसपोर्ट प्लेस कंपेक्टेड एंड फिनिश्ड आर इट विल बी रिफर्ड एज इजी विथ which can work with the concrete. Means कि हम जितना workability हम define करना चाहेंगे कि workability वो चीज़ होती है जिसमें कि हम mix करेंगे कोई भी concrete हमने prepare किया है M25 grade की concrete होगी या तो हम 30 grade की concrete होगी या 35 grade की concrete होगी, कोई भी grade की concrete होगी, उस कंक्रीट को हम क्या करेंगे वर्केबिलिटी के लिए फाइंड आउट करेंगे. तो हर एक कंक्रीट का जो मिक्स बनेगा वो आसानी से मिक्स हो सके, ट्रांसपोर्ट हो जाए और प्लेस हो जाए, कॉम्पैक्टेड हो जाए और फिनिश हो जाए. इस तरीके की हर एक कंक्रीट की जो मिक्स्ड होगी उसको हम आसानी से प्रिपेयर करने के बाद उस जहाँ पर हमको प्लेस करनी है वहाँ तक हम उस प्रोसेस को कम्प्लीटली आसानी से प्रिपेयर करके कंक्रीट को प्लेस कर देंगे, वो प्रोसेस कहलाएगी वर्केबिलिटी. मीन्स ये हो गया कि कोई भी कंक्रीट हम मैन्युफैक्चर करते हैं उस कंक्रीट को हम मिक्स से लेकर के फिनिशिंग कंक्रीट तक हम उसको कम्प्लीटली वर्क को इजी कर देते हैं, यही हमारा वर्केबिलिटी का डेफिनेशन होता है. तो वर्केबिलिटी के लिए बहुत सारे डेफिनेशन होती हैं जिसमें कि मेथड नंबर 1 स्लैम टेस्ट, वीबी टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, फ्लो टेबल टेस्ट, केली बॉल टेस्ट. ये 5 तरीके की. फर्स्ट मेथड स्लम टेस्ट. स्लम टेस्ट से हम क्या कर सकते हैं वर्केबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे कि मैंने वर्केबिलिटी फाइंड आउट करने का तरीका बताया था उसमें फर्स्ट मेथड क्या है आपका स्लम टेस्ट. स्लम टेस्ट में फर्स्ट क्या होता है, स्लम कोन होता है. स्लम कोन की जो हाइट एंड विड्थ एंड डायमीटर क्या होती है कि फर्स्ट टाइटल क्या है यहाँ से यहाँ तक का 10 सेंटीमीटर क्या क्या होता है कि इसका टॉप विड्थ होगा. बॉटम विड्थ इसकी क्या होगी स्लम कोन की कि 20 सेंटीमीटर हमारा इसका बॉटम विड्थ होगा और हाइट होगा हमारा 30 सेंटीमीटर की इसकी टॉप डायमीटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हाइट हमारा 30 सेंटीमीटर होगा. अब इसमें यहाँ पर एक पैनल लगा होता है. इस पैनल का क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का टॉप से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है 10 सेंटीमीटर और इसमें जो बाहर निकला हुआ पार्ट होता है वो 25 सेंटीमीटर बाहर निकला हुआ एक पार्ट होता है. तो ये होता है वो 25 सेंटीमीटर यहाँ तक बाहर निकला हुआ होता है. हम क्या करते हैं कि इस स्लम कोन के थ्रू वर्केबिलिटी जब फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं वर्केबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ग्रेड की कंक्रीट होती है जैसे कि M 15 ग्रेड की कंक्रीट, M 20 ग्रेड की कंक्रीट, M 25 की कंक्रीट, ऐसे कंटिन्यूसली हमारे पास M 65 तक की हमारे पास क्या होती है कंक्रीट की ग्रेड होती है. तो हर एक ग्रेड की कंक्रीट को क्या है कि हम वर्केबिलिटी फाइंड आउट जब करते हैं तो वर्केबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं स्लम टेस्ट करते हैं. स्लम टेस्ट में क्या है स्लम कोन का यूज होता है जिसमें कि उसकी हाइट जो है 30 सेंटीमीटर है. इसमें इतने भी ग्रेड की कंक्रीट को हमको क्या करना पड़ेगा कि वर्केबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि कौन सी ग्रेड की कंक्रीट को कब किस जगह पे हमको लेके आनी है. तो हम जब भी क्या करेंगे कि स्लम कोन में 4 लेयर्स हम 4 लेयर्स में क्या करेंगे कि इसको 25 टाइम्स टैंपिंग रॉड के थ्रू क्या करेंगे कॉम्पैक्ट करेंगे. टैंपिंग रॉड की डायमीटर होगी आपकी 16 mm, यहाँ से यहाँ तक का 16 mm डायमीटर होगा जो भी टैंपिंग रॉड होगा. टैंपिंग रॉड का डायमीटर 16 mm होगा और इसकी लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक का आपका 60 mm. 60 mm या 6 सेंटीमीटर की जो टैंपिंग रॉड होगी उससे हम क्या करेंगे स्लम कोन को फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर एंड फोर्थ लेयर हमको क्या करना पड़ेगा कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा. तो
इच लेयर हमको क्या करने पड़ेगा, 25 टाइम्स हमको क्या करनी पड़ेगी, टैंपिंग रॉड के थ्रू टैंपिंग करके उसको कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, स्लम कोन को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में उठा लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा स्लम कोन टेस्ट होगा, जिसमें हमारा फर्स्ट जब हम स्लम कोन को अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली ऊपर उठाएंगे तो क्या होगा कि एक स्लम्प बनेगी। ये स्लम्प बन गई तो ये कहलाएगा हमारा, जैसे कि इसमें 38 mm डाया का क्या होगा, एग्रीगेट होगा। ये एक्चुअली में क्या है कि कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि 38 mm डायमीटर का एग्रीगेट हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो इसमें क्या है कि इस तरीके का जो स्लम्प आएगा इसको कहेंगे हम ट्रू स्लम्प, इसको कहेंगे हम ट्रू स्लम्प। इन केस हमारे पास कोई भी जो स्लम्प निकल के आएगी वो कोलेप्सिबल होगा, इस तरीके से जो कंक्रीट आएगी ये कोलेप्सिबल होगा, कोलेप्स स्लम्प। और लास्ट वन सियर स्लम्प, सियर स्लम्प मीन्स कि आपका एक तरफ में क्या हो जाता है, सियर हो जाता है। ये होता है हमारे पास कि हम जब भी स्लम्प कोन के थ्रू जो भी वर्केबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं, स्लम्प कोन को उठाएंगे तो सियर स्लम्प आ सकती है, ट्रू स्लम्प आ सकती है, कोलेप्स स्लम्प आ सकती है। जब भी हम ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली उठाएंगे तो हमारे पास बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। तो ये हमारे पास आता है सियर स्लम्प, सियर स्लम्प। इस तरीके से हम स्लम्प कोन टेस्ट के थ्रू तीन चीजों का फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्रू स्लम्प, कोलेप्स स्लम्प, सियर स्लम्प। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हम जब भी उसको उठाएंगे तो हमारे पास तीन चीजें दिखने को मिलेगी, ये हमारे पास कहलाता है कि सियर स्लम्प, ट्रू स्लम्प एंड कोलेप्स स्लम्प। ठीक, जिस तरीके से हमने ट्रू स्लम्प, कोलेप्स स्लम्प और सियर स्लम्प को देखा था उसके रिगार्डिंग हमारे पास बहुत सारी वैल्यू निकल के आएगी, जिसमें कि स्लम्प का जो वैल्यू आएगा जीरो। इनकेस हमारे पास जीरो स्लम्प तो आ ही नहीं सकती है, बट जीरो स्लम्प हमारे पास वैल्यू आती है तो उसमें क्या होगा, एक्सट्रीमली लो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, एक्सट्रीमली लो। इसमें क्या है कि एक्सट्रीमली लो कि हमारे पास वर्केबिलिटी का फुल क्या है कि कम्प्लीटली वर्केबल है, जिसमें मॉइस्ट अर्थ कंसिस्टेंसी निकल के आती है और उसको हम बेस वर्क के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि 0 to 25 mm का जो स्लम्प है, ये टोटल वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आती है, ये टोटल mm में वर्क है। तो 0 to 25 mm का जो वैल्यू आती है इसमें वेरी लो, तो वेरी लो तो वेरी ड्राई और मॉइस्ट मास कंक्रीटिंग के लिए हम इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट 25 to 50 मीडियम लो, जिसमें कि ड्राई और हैवी रेनफोर्समेंट, हम जब भी हैवी रेनफोर्समेंट वर्क करते हैं, जैसे कि हम बीम कॉलम का प्रोड्यूस कर रहे हैं, बीम कॉलम के लिए वर्क करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम 25 to 50 mm का जो स्लम्प वैल्यू आने करके आती है उसका हम यूज करते हैं। 100 to 50 इसके लिए हमारे पास क्या आती है कि हमारे पास ड्राई टू प्लास्टिसिटी ट्रेंस्ड एंड फिलिंग, और लास्ट वन निकल के आती है हमारे पास 150, जो ग्रेटर देन 150 होगा स्लम्प वैल्यू, जिसमें हमारे पास वेरी हाई कम उसका क्या आता है डिग्री ऑफ कंपेरेबल वर्केबिलिटी और सेमी फ्लूइड और टेम्पररी वर्क के लिए हम इसको यूज करते हैं। इस तरीके से हमारे पास स्लम्प टेस्ट के थ्रू हम क्या है कि वर्केबिलिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें कि हम जैसे जनरली M20 ग्रेड की कंक्रीट का हम यूज करते हैं, M20 ग्रेड की कंक्रीट, जिसमें 1:1 ratio 1.5 and 3, इसमें क्या है कि जो भी कंक्रीट होगा उस कंक्रीट का हम स्लम्प जनरली टेस्ट करते हैं, जिसमें कि हमको जनरली हैवी रेनफोर्समेंट के लिए बात करनी होती है। तो ये हमारे पास ओवरऑल वर्केबिलिटी टेस्ट करने का फिनोमेना